नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बीजिंग का कहना है कि वह अमेरिका के एसएसपी के साथ आगे नहीं बढ़ने की नेपाल के फैसले की सराहना करता है। चीन नेपाल के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता और साझा समृद्धि की रक्षा के लिए काम करने को तैयार है। चीन का कहना है कि वह संयुक्त राज्य सरकार के स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाने की नेपाल सरकार के फैसले का स्वागत करता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि एसएसपी समझौते से नेपाल को कितना नुकसान और कितना फायदा होने वाला था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविग ने गुरुवार को कहा कि एक दोस्ताना और करीबी पड़ोसी और रणनीति सहयोगी भागीदार के रूप में चीन नेपाली सरकार के फैसले की सराहना करता है। शेर बहादुर देउबा एसएसपी के आगे नहीं बढ़ने का फैसला करने की 3 दिन बाद चीनी सरकार का एक बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार वांग ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और गुटों, सरकार, सेना और नेपाली समाज के लोग एसएसबी को एक सैन्य और सुरक्षा पहल के रूप में देखते हैं, जो भारत प्रशांत रणनीति से निकटता से जुड़ा हुआ है और वे इसे नेपाल के राष्ट्रीय हितों और लंबे समय से चली आ रही गुट निरपेक्ष संतुलित विदेश नीति के खिलाफ एसएसबी का हिस्सा मानते हैं। और नेपाल ने अमेरिका का एसएसबी समझौता खारिज कर दिया है और जिसकी चीन ने बड़ी ही सराहना की है। अपनी दोस्ती के नाते नेपाल को एक बड़ी सुविधा देने का ऐलान कर दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।